नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। राजधानी रांची में बिजली की समस्या, हर रोज 2 से 3 घंटे बिजली की कटौती। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। ठंड के मौसम में मांग बढ़ने व ऊपर से कम बिजली मिलने के कारण राजधानी वासियों को इन दिनों बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। रांची में हर रोज 2 से 3 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। सब स्टेशनों को बमुश्किल 20 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। शुक्रवार की सुबह 7:29 से 8:52 तक मांग से कम बिजली की आपूर्ति हुई। इस कारण लोड शेडिंग कर बारी बारी से मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति की गई। बांधगाड़ी इलाकों में सुबह 2 घंटे तक पावर सप्लाई पूरी तरह से ठप रही, जबकि लोकल फॉल्ट के कारण न्यू नगर के बड़े इलाकों में 12 बजे के बाद ही आपूर्ति की जा सकी। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से राजधानी को सप्लाई देने वाले तीनों ग्रिडों की मांग की तुलना में कम बिजली मिली। संचरण निगम के अभियंताओं व सब स्टेशन को अलर्ट किया गया है कि बिजली की कमी होने के कारण कम आपूर्ति की जाएगी। ऐसे में सब स्टेशन से हर घंटे बिजली आपूर्ति होने पर एक फीडर को 1 घंटे के लिए बंद कर दूसरे फीडर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिजली विभाग ग्रामीण इलाकों में ज्यादा कटौती कर रही है ताकि शहर को अधिक बिजली दी जा सके। इसके बावजूद कोकर पीएसएस के बांधगाड़ी, रानी बगान, जोहार नगर, सरना टोली, बरियातू, हरमू, न्यू पुंदाग, बिरसा चौक, कोकर, कांटा टोली, दीपा टोली, हटिया, हवाई नगर, डोरंडा के मनी टोला, फिरदौस नगर, रौनक इनक्लेव इलाकों में बिजली कटौती हुई। यहां एक जगह बिजली काट कर दूसरी जगह दी जा रही है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।